सो हे गाइस, दिस इज अभय झा वंस अगेन राइट इन फ्रंट ऑफ यू। और बहुत समय से YouTube में मैंने कोई वीडियो नहीं डाला, सो आज ये वीडियो आपके सामने आने वाली है। और आज की वीडियो का टॉपिक है कि हम लोग कैसे एक PC बिल्ड कर सकते हैं इंडिया में, वो भी लॉकडाउन के बाद। और ये PC का बजट 60,000 रुपीज़ के आसपास होने वाला है और ये बहुत ही पावरफुल एक PC होने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हो तो प्लीज़ 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 नीचे हमारे चैनल का सब्सक्राइब बटन दबा दो अगर आप ऐसे ही टेक रिलेटेड कंटेंट में इंटरेस्टेड हो तो। और साथ ही में आप बेल आइकन भी दबा दो ताकि आपको हमेशा सबसे पहले हमारी वीडियोस मिलते रहे। नेक्स्ट, आप मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। और इन दी एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और इसके अलावा इस वीडियो में जितने भी सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बात की गई है उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं छोड़ दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हो और हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। तो ये है हमारा फाइनल बिल्ड। और अगर आप भी ऐसा ही कुछ बनाना चाहते हो तो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इस बिल्ड में यूज़ किया है AMD Ryzen 5 की तरफ से आने वाला 2600 प्रोसेसर, जो कि 6 कोर और 12 थ्रेड वाला एक बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है, जो कि आज के डेट में इंडिया में सिर्फ 13,000 रुपये में अवेलेबल है। और मदरबोर्ड की बात करें तो हमने ASUS की तरफ से यूज़ किया हुआ है प्राइम B450MA मदरबोर्ड, जो कि काफ़ी सस्ते में 8,000 में आने वाला एक बहुत ही अच्छा सा मदरबोर्ड है, जो आपको बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड कर देता है इस बजट में रहते हुए। उसके अलावा हमने इस बिल्ड में यूज़ की है 16GB की रैम, जो कि Corsair के तरफ से आती है। बाय द वे, दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बाय Corsair, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बहुत सारे Corsair के प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। आगे हम लोग बात करते हैं SSD की। तो ये आप देख सकते हो Corsair की तरफ से आने वाली MP510 SSD को हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जो कि 480GB की एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही फास्ट NVMe SSD है। उसके अलावा GPU की बात करें तो आप देख ही सकते हो कि GeForce GTX 1060 NVIDIA की तरफ से हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और इस बिल्ड के लिए हम लोग एक 550W का Corsair VS550 पावर सप्लाई भी यूज़ कर रहे हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो और फाइनली हम लोग यहाँ पर जो कैबिनेट यूज़ कर रहे हैं वो है Corsair Spec 1, जो कि एक बहुत ही सस्ते प्राइस में आने वाला एक बहुत ही अच्छा कैबिनेट है आज के डेट पे। और इसका एयर फ्लो काफ़ी अच्छा है, इसीलिए मैंने इस कैबिनेट को चूज़ किया है। तो चलिए क्विकली देखते हैं इस बिल्ड की अनबॉक्सिंग।
कि आपको अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं द रियल बिल्ड। सबसे पहले स्टेप वन, आपको अपने मदरबोर्ड की अनबॉक्सिंग करनी है और अपने मदरबोर्ड पर प्रोसेसर इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले आपको मदरबोर्ड के बॉक्स के साथ बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे आईओ शील्ड, बहुत सारे स्क्रूज, M.2 के आपको आपका मदरबोर्ड मिल जाता है, जिसे आपको उसके बॉक्स के ऊपर कुछ इस प्रकार से प्लेस करना है। और उसके अलावा आपको कुछ सेटा केबल्स भी देखने को मिल जाते हैं। अब सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको मदरबोर्ड पे प्रोसेसर इंस्टॉल करना है, तो सबसे पहले अपना प्रोसेसर को ले ले और इसकी भी अनबॉक्सिंग कर ले कुछ इस प्रकार से। एक बार आपने प्रोसेसर की अनबॉक्सिंग कर ली तो आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि प्रोसेसर के पीछे में बहुत सारे गोल्डन कलर की छोटी छोटी पिंस होती हैं, जिन्हें आपको हाथ से बिल्कुल भी नहीं टच करना है, बहुत ही डेलिकेट पिंस होती हैं। आपको केयरफुली अपने प्रोसेसर को बाहर निकालना है और उसे साइड से पकड़ के और मदरबोर्ड पे लगाना है। लेकिन लगाने से पहले ये साइड में जो आप इतना लंबा सा रॉड टाइप का देख रहे हैं, इसे आपको उठा लेना है कुछ इस प्रकार से, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद आपको देखना है कि मदरबोर्ड में एक कॉर्नर पे जहाँ मैंने पॉइंट किया है, वहाँ एक छोटा सा ट्रायंगल टाइप का एक मार्क होगा, और आप अपने प्रोसेसर में भी यहाँ पर चेक कर सकते हो कि एक ट्रायंगल, गोल्डन ट्रायंगल टाइप का ये मार्क आपको देखने को मिल जाता है। अब आपको कुछ नहीं करना है, दोनों मार्क्स को मैच करना है और अपने प्रोसेसर को प्लेस कर देना है अपने मदरबोर्ड के ऊपर कुछ इस प्रकार से, जैसे वीडियो में दिखाया गया है। एक बार प्रोसेसर प्लेस करने के बाद वो बैठ जाएगा और आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली इस रॉड को नीचे करके और लॉक कर देना है जैसे वीडियो में दिखाया गया। बस आपका प्रोसेसर इंस्टॉल हो गया। उसके बाद आपको प्रोसेसर के साथ एक स्टॉक कूलर मिलेगा, जिसकी अनबॉक्सिंग आपको कुछ इस प्रकार से करनी है, और स्टॉक कूलर के साथ आपको प्री अप्लाइड थर्मल पेस्ट भी देखने को मिल जाता है। सो वंस ये काम हो गया है, उसके बाद आपको अपने स्टॉक कूलर को इंस्टॉल करना है अपने मदरबोर्ड के ऊपर। तो उससे पहले यहाँ पे मदरबोर्ड में, मेरे मदरबोर्ड में यहाँ पे प्री इंस्टॉल्ड कुछ कूलर माउंटिंग के लिए आया था, तो उसे मैं यहाँ पे अनस्क्रू कर लेता हूँ। एक बार अनस्क्रू करने के बाद आप अपने स्टॉक कूलर को कुछ इस प्रकार से ले, और जहाँ पर होल्स आपको देखने को मिल रहे हैं अपने मदरबोर्ड में, वहाँ पर आप स्टॉक कूलर के जो स्क्रूज़ हैं वहाँ उन्हें प्रॉपरली उसी जगह पर, मतलब कि उसी प्रकार से प्लेस करें ताकि स्क्रूज होल्स में घुसे, और इस प्रकार से कुछ रख दें। उसके बाद कुछ नहीं करना है, बस आपको चारों स्क्रूज को टाइट करना है कुछ इस प्रकार से। मेक श्योर आप डायगनली अपोजिट स्क्रूज को पहले टाइट करें, और ये हो गया आपका स्टॉक कूलर इंस्टॉल। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको जो स्टॉक कूलर का केबल है उसे आपको मदरबोर्ड पर सीपीयू फैन वाले 4-पिन हेडर में कनेक्ट करना है। अगर आपके पास एक 3-पिन फैन है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक 3-पिन फैन भी 4-पिन हेडर में कनेक्ट हो जाएगा, बस जो लास्ट वाली जो PWM पिन है उसमें वो अनकनेक्टेड रहेगी। तो यहाँ पर फिलहाल हमारे पास PWM फैन ही मिला था 4-पिन का, तो यहाँ हमने कनेक्ट कर दिया, और आप देख सकते हैं सीपीयू फैन वाले हेडर में ही मैंने कनेक्ट किया है। तो मेक श्योर आप गलत हेडर में ना लगा दें, वरना बाद में आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये करने के बाद आपका स्टेप वन कंप्लीट होता है। तो अब आता है स्टेप टू, और इस स्टेप में आपको इंस्टॉल करनी है एक M.2 NVMe SSD। तो अगर आप एक SATA SSD यूज़ कर रहे हो या एक हार्ड ड्राइव यूज़ कर रहे हो जिसमें आप विंडोज़ इंस्टॉल करने वाले हो, तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक NVMe SSD यूज़ करने वाले हो तो आपको ये स्टेप ज़रूर करना ही है। तो सबसे पहले अपनी SSD को अनबॉक्स कर लो कुछ इस प्रकार से, और अनबॉक्स करने के बाद आपको अपने मदरबोर्ड पर एक M.2 का स्लॉट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वीडियो में जैसा कि दिखाया गया है,
सबसे पहले अपने मदरबोर्ड को आप थोड़ा सा पास ले आएँ, और यहाँ पे जैसे कि वीडियो में यहाँ पे दिखाया गया ये वाला जो स्लॉट है वो M.2 स्लॉट है, इसमें आपको इस प्रकार से अपनी SSD घुसा लेनी है। और उसके बाद आपको यहाँ पर डायरेक्टली स्क्रू से यहाँ पर टाइट नहीं कर देना है मदरबोर्ड पे, सबसे पहले आपको एक M.2 स्टैंड ऑफ यहाँ पर टाइट करना पड़ेगा अपने मदरबोर्ड पे, और M.2 स्टैंड ऑफ आपको यहाँ कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा जो कि आपको मदरबोर्ड के साथ ही मिलने वाला है, M.2 का ये वाला स्टैंड ऑफ और साथ में M.2 का स्क्रू भी, तो ये दोनों आपको मदरबोर्ड के साथ ही मिलने वाला है। तो सबसे पहले अपने M.2 के स्टैंड ऑफ को कुछ इस तरह से कनेक्ट कर लें, आप कनेक्ट क्या टाइट कर लें या कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं। सो एनीवे तो सबसे पहले आप टाइट कर लें अपने M.2 के स्टैंड ऑफ को, उसके बाद ये रही आपकी SSD, तो आपको SSD प्लेस करके स्क्रू को टाइट कर देना है। उसके बाद आपको स्टेप 3 आता है जो कि है RAM इंस्टॉलेशन, और तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने RAM को अनबॉक्स कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पर जो आपको कोई भी एक खाली RAM का स्लॉट दिखे आप सबसे पहले जो लॉक है उसे खोल ले, जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है सबसे लास्ट वाले लॉक को यहाँ पर हमने खोला हुआ है। यहाँ पर इस मदरबोर्ड में एक ही साइड से लॉक है, लेकिन कुछ मदरबोर्ड्स में दोनों तरफ से लॉक्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर देखना कि रैम में एक नॉच रहता है, उसे मदरबोर्ड के नॉच के साथ मिलाकर आप स्लॉट में लगाकर एक बार ज़ोर से, मतलब ज़ोर से नहीं लेकिन थोड़ा प्रेशर लगाकर उसे आप पुश कर दें और वो ऑटोमेटिकली स्नैप हो जाएगा और एक क्लिक की साउंड आएगी और वो लॉक्स ऑटोमेटिक लग जाएंगे, और फिर कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हो रैम लग जाएगा आपके मदरबोर्ड पे। तो ये था स्टेप 3। उसके बाद है स्टेप 4 जो कि आपको अब अपने कैबिनेट के अंदर में आप अपना मदरबोर्ड डालना है। तो सबसे पहले आप टाइम लैप्स में देख ही सकते हो कि यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने कैबिनेट को खोलना पड़ेगा। उसके बाद आपको कुछ कैबिनेट के साथ ये एक बॉक्स देखने को मिलेगा जिसमें आपको मदरबोर्ड माउंट करने के लिए स्क्रूज मिलेंगे। अब इस कैबिनेट में मदरबोर्ड के स्टैंड ऑफ्स प्री कनेक्टेड मतलब प्री टाइटेंड आते हैं, और ये वाले जो मदरबोर्ड के स्क्रूज हैं जैसा कि आप कैबिनेट के मैनुअल में देख सकते हो, इन्हें आपको यूज़ करना है और डायरेक्टली मदरबोर्ड को टाइट कर देना है। लेकिन कुछ कैबिनेट्स में जहाँ स्टैंड ऑफ्स अगर आपको नहीं मतलब कि कनेक्टेड देखने को मिलते हैं, मतलब पहले से टाइट नहीं किए हुए अगर मिलते हैं, तो आपको मतलब मैनुअली उसे लेकर के टाइट करना भी पड़ सकता है, तो आप देख लेना, वो कैबिनेट टू कैबिनेट वेरी करता है। उसके बाद आपको यहाँ पे IO शील्ड लेकर के कुछ इस प्रकार से लगा देना है अपने कैबिनेट के पीछे में। मदरबोर्ड को लगाने से पहले मेक श्योर आप पहले IO शील्ड लगा दें, उसके बाद ही मदरबोर्ड के IO पैनल को IO शील्ड की तरफ पोजीशन करके इस प्रकार से अपने मदरबोर्ड को लगा दें। मदरबोर्ड को लगाने के बाद कुछ नहीं करना है, बस आपको स्क्रूज को टाइटन कर देना है। तो ये स्क्रूज हम लोग टाइटन करेंगे कुछ इस प्रकार से। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि ये जो USB 2.0 का कनेक्टर है और USB 3.0 का कनेक्टर, वो आपको मदरबोर्ड में कनेक्ट करना है जो कि आपके कैबिनेट की तरफ से आएंगे फ्रंट पैनल के कनेक्टर्स, तो कुछ इस प्रकार से आपको कनेक्ट करना है। और HD ऑडियो का भी फ्रंट पैनल का कनेक्टर कुछ इस प्रकार से आपको कनेक्ट कर देना है। तो ये कहाँ कहाँ कनेक्ट करना है वो आपके मदरबोर्ड के यूज़र मैनुअल में दिया होगा। और नेक्स्ट आता है ये फ्रंट पैनल कनेक्टर्स का, तो ये मैंने डायग्राम दे दिया है क्योंकि वीडियो में दिखा पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, और आपके एक्चुअल मदरबोर्ड में कुछ इस प्रकार से ओरिएंटेड होगा। तो अगर आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पर पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कैसे फ्रंट पैनल के जो छोटे छोटे कनेक्टर्स आते हैं, यानी कि पावर केबल, पावर स्विच, पावर LED, तो उसे कैसे कनेक्ट करना है। अब नेक्स्ट आता है कि आपको अगर कैबिनेट की तरफ से कुछ फैंस देखने को मिले हैं,
तो उनका कनेक्टर सबसे पहले आपको कुछ इस प्रकार से खोजना है, और चैसी फैन के कनेक्टर में आपको मदरबोर्ड में प्लेस कर देना है, तो वो भी आपको मदरबोर्ड के यूज़र मैनुअल में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको अपने GPU की अनबॉक्सिंग करनी है कुछ इस प्रकार से, क्योंकि अब हम GPU इंस्टॉल करने वाले हैं। अगर आप GPU नहीं यूज़ कर रहे हो तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हो, लेकिन बाय द वे AMD के सारे प्रोसेसर्स में आपको GPU लगाना ही पड़ता है, एक्सेप्ट G सीरीज़, और इंटेल के भी कुछ प्रोसेसर में नहीं आते हैं इंटीग्रेटेड GPU, तो वहाँ आपको GPU लगाना पड़ सकता है। GPU लगाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर बैक पैनल का ये जो पतली सी मेटल स्ट्रिप है, इसे आपको खोल लेना है, और खोल लेने के बाद आपको ये जो दो मेटल मैश देखने को मिल जाते हैं, सेकेंड और थर्ड वाले आपको अनस्क्रू करके रिमूव करने हैं। मेक श्योर आप फर्स्ट वाला ना रिमूव करें। मैंने भी चेक करके देख लिया है कि आपको यहाँ पर सेकेंड और थर्ड वाले ही रिमूव करने पड़ेंगे, और सेकेंड और थर्ड वाले ये दो मेटल मैशेस को रिमूव करने के बाद आपको क्या करना है कि अपने PCI एक्सप्रेस स्लॉट जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रहा है, उसका लॉक जो साइड में होता है बाय डिफ़ॉल्ट अगर खुला ही रहता है, लेकिन अगर नहीं खुला है तो आप उसे प्रेस करके खोल सकते हो, और उसके बाद आपको GPU को कुछ इस प्रकार से सबसे ऊपर वाला जो प्रोसेसर के सबसे क्लोजेस्ट जो PCI एक्सप्रेस X16 वाला जो स्लॉट आपको देखने को मिलता है उसमें आपको अपने GPU को घुसा देना, और वही थोड़ा सा प्रेशर लगा कर आपको यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर लगा देना है, तो आप देख सकते हो वो ऑटोमेटिक क्लिक की साउंड आएगी और आपका GPU लग जाएगा। एक बार GPU लगने के बाद आपको आपने जितने भी स्क्रूज़ यहाँ से निकाले हुए थे वो आपको दोबारा से यहाँ पर टाइट करने हैं, और उन दोनों स्क्रूज़ को टाइट करने के बाद आपको फिर से अपना जो लंबा सा जो स्ट्रिप मेटल स्ट्रिप जो यहाँ पर आपने ओपन की थी उसे आपको वापस टाइट करना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से, और आपका GPU इंस्टॉल हो गया। नेक्स्ट है पावर सप्लाई इंस्टॉलेशन, तो सबसे पहले अपने पावर सप्लाई को अनबॉक्स कर लें कुछ इस प्रकार से। पावर सप्लाई के साथ आपको कुछ केबल्स मिल जाते हैं, इंपॉर्टेंट सेफ्टी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाता है, और एक सील का जेल मिल जाता है जो आप प्लीज़ खाना मत, ठीक है, ऑब्वियसली उतना तो सभी को पता होगा। खैर नहीं भाई, ये पावर सप्लाई यहाँ पर सबसे पहले हमें देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर हमें क्या करना है, इस पावर सप्लाई को कुछ इस प्रकार से कैबिनेट के नीचे में प्लेस कर देना है। अब आपके कैबिनेट में अगर ऊपर साइड में लगता होगा तो वो आप देख लेना, तो यहाँ पर नीचे साइड में लगता है तो यहाँ नीचे में मैंने प्लेस कर दिया है विद द फैन साइड फेसिंग डाउनवर्ड, और उसके बाद यहाँ पर पावर सप्लाई के साथ जो चार स्क्रूज आपको मिलेंगे उन्हीं को आपको यूज़ करना है पावर सप्लाई को अपने कैबिनेट में टाइट करने के लिए। मेक श्योर आप दूसरे स्क्रूज़ का यूज़ ना करें, वरना मतलब कि कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और आपका पावर सप्लाई भी यहाँ पर ख़राब हो सकता है, और आपको इलेक्ट्रिक शॉक्स भी हो सकता है, आपको लग सकते हैं। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्या करना है कि एक 24 पिन का ATX केबल जो पावर सप्लाई की तरफ से आता है आपको कुछ इस प्रकार से अपने मदरबोर्ड में यहाँ पर लगा देना है। मेक श्योर ये उल्टा नहीं लगेगा क्योंकि ये एक ही साइड से लगता है, तो आपको यहाँ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे 4+4 पिन यानी कि 8 पिन का एक CPU केबल यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और ये CPU केबल ब्रेकेबल है, यानी कि अगर आपके मदरबोर्ड में सिर्फ 4 पिन का CPU केबल है तो आप बीच से इसे ब्रेक करके भी 4 पिन यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मेरे मदरबोर्ड में पूरा 8 पिन का सपोर्ट है तो मैंने यूज़ कर लिया। नेक्स्ट आपको एक 6+2 पिन का PCI एक्सप्रेस कनेक्टर देखने को मिल जाएगा जिसे आप अपने GPU में लगा सकते हो। यहाँ पर मेरा GPU सिर्फ 6 पिन कनेक्टर ज़रूरत है, मतलब कि मेरे GPU को सिर्फ 6 पिन कनेक्टर की ही ज़रूरत है, तो मैं सिर्फ 6 पिन कनेक्टर को यहाँ पर लगा लूँगा। लगाने के बाद आप थोड़ा बहुत केबल मैनेजमेंट कर लेना और अपने कैबिनेट को कुछ इस प्रकार से बंद कर लेना, पावर कॉर्ड लगा लेना जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो, और बस आपका बिल्ड कंप्लीट है। और ये रहा हमारा फाइनल बिल्ड, तो आप देख सकते हो अब हम यहाँ पर HDMI केबल लगाएंगे और ऑन करके आपको दिखाएंगे कि फाइनल बिल्ड कैसा देखने में लगता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको कुछ भी परचेज करना है तो नीचे दिए गए लिंक से परचेज करें, और ये देखें फाइनली ये ऑन होकर कैसा देखने में लगता है। सो हे गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और साथ ही में बेल आइकन दबा दें, और इस वीडियो को तो सबसे पहले लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ ये नॉलेज शेयर करें, एंड फाइनली
मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें ताकि आप हमेशा मेरे साथ बने रहें। और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो फिर आप नीचे कमेंट में भी लिख सकते हो। एंड प्लीज़, अगर आपको कुछ भी परचेस करना होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से परचेस कीजिए, तो इससे हमारे चैनल को बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस एंड आई विल कैच यू अप इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।